अभी तक हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फिफ्थ पार्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा। आगे की जो एक्सरसाइज है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। आगे एक्सरसाइज होगी वो है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। इस स्टेप्स के क्वेश्चंस में आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, गिवन नहीं होगा, फिर वैल्यू निकालनी है। तो यह है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा 8.5 के बाद विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल मैक्सिमा मिनिमा के काम आते प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इलस्ट्रेट एग्जांपल नंबर 36 देखिए, फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जांपल नंबर 36 शो दैट, बिल्कुल क्वेश्चन को समझना जरूरी है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। यह है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। तो क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन सर्किल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फंक्शन भी कम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको मैक्सिमम एरिया के लिए स्क्वायर प्रूव कर देंगे। सॉल्यूशन देखिए, और जो गिवन है उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। शो दैट द ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, इन ए गिवन सर्किल। तो यहाँ पर गिवन है ए सर्किल विद रेडियस आर। ये सर्किल है, इसमें रेडियस आर है, तो आर इज कांस्टेंट माना जाएगा। जो गिवन है उसको क्या लेंगे, कांस्टेंट। आर इज कांस्टेंट और रेक्टेंगल एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसीडी इंस्क्राइब्ड ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, रेडियस आर है और रेक्टेंगल एबीसीडी, एबी इज इक्वल टू एक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट एंड बी सी इज इक्वल टू वाई यूनिट, और इसको ज्वाइन करेंगे ये आर और ये आर। सेंटर ऑफ द सर्किल ओ, रेडियस है ओ ए, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू टू आर। हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, और रेक्टेंगल का एरिया को मैक्सिमम एरिया के लिए ये इसको स्क्वायर प्रूव कर देंगे, एक्स इक्वल टू वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स एंड वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए फंक्शन में ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, हमारे पास जो एरिया का फंक्शन है उससे टू वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स एंड वाई। वन वेरिएबल को रिमूव करेंगे हम गिवन कंडीशन से, गिवन कॉन्स्टेंट है उससे आर से। तो इसमें देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी जो राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाई पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल में बाई पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी इज एक्स स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और टू आर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल हमें एक फंक्शन इज ओनली वन वेरिएबल का होना चाहिए, अभी यहाँ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर बोथ आर टू वेरिएबल, तो वाई को रिप्लेस करेंगे आर की फॉर्म में। तो यहाँ से निकालें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ए इज इक्वल टू एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स इज ए वेरिएबल तो फंक्शन एरिया इज ए फंक्शन ऑफ ए एक्स हो गए, एक्स इज वेरिएबल है तो फंक्शन ऑफ एरिया ए एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस, इसे मैक्सिमम शो करना है और उसके बाद एक्स बराबर वाई आ जाएगा। ये फंक्शन बनाने का तरीका है, गिवन है उसको कॉन्स्टेंट मानेंगे, गिवन था शो दैट द ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, तो सर्किल है गिवन सर्किल, इट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल इज कॉन्स्टेंट, गिवन सर्किल था तो रेडियस हो गई आर, आर को कॉन्स्टेंट माना, इसके अंदर रेक्टेंगल है विथ लेंथ एक्स, ए बी बराबर एक्स एंड ब्रेड्थ है वाई, बी सी बराबर वाई, और ये इसके मोस्ट मैक्सिमम एरिया के लिए कहाँ से जाएगा डायगोनल, ये इसका जो डायगोनल है वो कहाँ क्या बन जाएगा इसका डायमीटर, तो इन ट्राइंगल ए बी सी से लेंथ ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया निकला, एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, हमें फंक्शन ओनली वन वेरिएबल में चेंज करना है, तो वाई की वैल्यू निकाल दी। अब ये वेरिएबल एक्स है यहाँ, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए डैश एक्स इज इक्वल्स टू यून टू बी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो ए डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स और अंडर रूट का डिफरेंस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स, आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का तो जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन, तो टू से ए डैश एक्स इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल, तो माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए डैश एक्स। अब वही डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो फोर मैक्सिमा मिनिमा ए डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फोर मैक्सिमा और मिनिमा ए डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एलसीएम लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स स्क्वायर बराबर फोर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर टू आर स्क्वायर। ये अब हमें करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो अगेन डिफरेंशिएट इसको करेंगे, तो ए डबल डैश एक्स इसको सॉल्व कर दीजिए, पहले देखिए ए डैश एक्स को सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे तो क्या रहा है, क्या आ रहा है फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज ए डैश एक्स। सिंप्लीफाई कर उसका अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए डबल डैश एक्स, ए डबल डैश एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन बी अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ फोर आर स्क्वायर जीरो माइनस टू एक्स माइनस फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे बी का, तो वन अपॉन टू अंडर रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
and 0 minus 2x upon b square 4r square minus x square under root ka और स्क्वायर. तो a डबल डैश x इज क्या, देखिए क्या निकल रहा है, ये तो 2, तो माइनस 2x अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x x इंटू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में, ये भी साथ में, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, मैं इधर से मिटा रहा हूँ. सॉल्व करेंगे a डबल डैश x के लिए, तो a डबल डैश x इज इक्वल टू एलसीएम अंडर रूट 4r स्क्वायर इंटू ये, तो रूट हट जाएगा, तो माइनस 2x 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x इंटू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन, ये नीचे पावर 1 और 1 बाई 2, तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 और काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये, तो इसको देखिए सॉल्व करिए. कॉमन आ रहा है 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज कॉमन, बचा गया माइनस 2x प्लस x अपॉन 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, कितना बचा माइनस x, माइनस x इंटू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2. क्या कहा, पावर कम हो जाएगी एक, तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा. अब देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू, तो ये नेगेटिव रहेगा, देयर फोर एट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर a डबल डैश x इज लेस देन 0, देयर फोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर के लिए हमें यहाँ रखना है, तो ये देखिए हमें रेक्टेंगल से स्क्वायर प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें 2r स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स. लेंथ इक्वल टू ब्रेथ आ गया, देयर फोर ए बी सी डी इज ए, अगर लेंथ ब्रेथ इक्वल होगी तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो मैक्सिमम एरिया के लिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर. इतना लेंदी क्वेश्चन है, एक बार और समझा दूंगा मैं, अभी थोड़ा कई बार मिटाना पड़ा है लेकिन है लेंदी. ये है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये करेंगे अपन कल एट एक्सरसाइज के साथ, फिर विविध प्रश्न माला.